सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा है। जिमनी चोन नूं लैके पंजाब दी सियासत पूरी तरह भखी हुई है। सरगर्मियां सियासी धिरां ने वधा दित्तियां ने, लीडर प्रचार दे विच जुटे हुए ने, उम्मीदवार पब्बां भार ने, वोटरां नूं अपने हक दे विच करन दी कोशिश कर रहे ने। इस दे चलदिआं इक धिरां श्रोमणी अकाली दल, उहनां ने चोणां तों किनारा कीता है। उह कहिंदे कि असीं इह वालीआं चोणां नहीं लड़नीआं। इहदे उत्ते सूबे दे मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने एक तिखा तंज कस दिता है। कहिंदे कि श्रोमणी अकाली दल दे कोल चार बंदे भी नहीं हैगे जिहड़े चोण लड़ सकण। सबकी तैयारी है, लोगों की भी तैयारी है और बाकी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। मतलब जो अकाली दल के साथ हो रहा है वहाँ पे और तमाम जो पंथक राजनीति हम देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास चार बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें। भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना। क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सकें? और सुखबीर बादल को जर्नैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जर्नैल? उसने तो डुबोए ही है बेटा अकाली दल का। हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता। पात्र साहब ने लिखा सी, इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावें, चार क बंदे छड लै मोढ़ा देण लई। पर जो अकाली दल का हालत है हुण, उस समय कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल कि कल्ला रह जावें, चार क बंदे छड लै जिमनी चोण लड़न लई। दस दिए कि डेरा बाबा नानक, गिदड़बाहा, बरनाला ते चब्बेवाल दे विच जिमनी चोण होणी है। इत्थों दे जिहड़े लीडर सीगे, विधायक सीगे, वह MP बन चुके ने ते उहनां दीआं थां दे उत्ते हुणे चोण होण जा रही है। वख वख तरहां दीआं सरगर्मियां सारे लीडरां दीआं वधियां होईआं ने। खासकर श्रोमणी अकाली दल इस चोण चों बाहर नज़र आ रहा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल दे उत्ते कई तरह दीआं जिहड़ियां इल्ज़ाम तराशियां कीतीआं गईआं उहनां दे ही विचों श्रोमणी अकाली दल दे लीडरां वल्लों, जिन्हां ने सुधार लहर बनाई है। तो इस दे चलदिआं श्री अकाल तख्त साहब वल्लों सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया करार दिता गया है। तां इसे करके ये हवाला देंदे हुए जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल वो चोणां चों बाहर होया है। हुण देखणा होवेगा कि आने वाले समय दे विच इक मामला की मोड़ लैंदा है, ते मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नूं श्रोमणी अकाली दल दे नुमाइंदे की जवाब देंदे ने। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, हुकमरानां नूं होणगे सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, हर मसले ते रहेगी तिखी नजर, दसांगे कौन कर रहा है कीदे ते जबर, विदेशां दे विच बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा अमेरिका दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, हर मुद्दे ते होणगे रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, गायकां ते अदाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, ते कलाकारां दी जिंदगी ते मारांगे झात। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल।